हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम सेकंड किंगडम जो प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा किंगडम को हमने तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट था, मतलब सब ग्रुप जो प्रेजेंट था उसको हमने बोला था एक तरीके। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट था उसको हमने बोला था बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। सेकेंड ग्रुप हमारे पास था डिकम्पोजर या कंज्यूमर प्रोटिस्ट, यानी जिनको हम स्लाइम मोल्ड के नाम से भी बोलते थे। और थर्ड किंगडम जो था हमारे पास प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा बेटा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेकंड जो ग्रुप हमारे पास है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। बेटा यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा और दूसरा उसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। यानी स्लाइम मोल्ड्स का मतलब हम एक सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, इसको हमें एनिमल फंगस के बेस के ऊपर बोल सकते हैं। यानी ये जो ग्रुप है वो एनिमल प्लस में फंगस दोनों तरीके की प्रॉपर्टी बियर करता है, इसलिए इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? एनिमल फंगस के नाम से बोलते हैं, एनिमल फंगस के नाम से बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसके पास दोनों तरीके की प्रॉपर्टी है। कि हमने बोला कि स्लाइम मोल्ड, ठीक है ना, अभी हमने इसका नाम जो बोला है बेटा उसका मतलब क्या है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है हमारे पास, स्लाइम मोल्ड का मतलब क्या होता है? मोल्ड मतलब एक टाइप की फंगस होती है बेटा, एक टाइप की फंगस होती है। और स्लाइम मतलब जिस तरीके से एनिमल लाइक बिहेव सो होता है ना, जैसे एनिमल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तरीके से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं, उसके साथ साथ फंगस की प्रॉपर्टी जो होती है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी कंपल्सरी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी प्रेजेंट होती हैं जो उसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बिल्कुल सेपरेट कर देती हैं। और जैसे उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, रिजर्व फूड मेटल्स में बेटा ग्लाइकोजन के साथ साथ ऑयल ड्रॉपलेट वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो एक टाइप से अलग टाइप की बिहेव शो करती है। ऐसे में हमारे पास ये जो स्लाइम मोल्ड्स है बेटा, इसके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं हमारे पास है? ठीक है, उसमें जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, हम इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो ग्रुप है बेटा उसके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा हमारे पास, नॉर्मली अगर नंबर की बात करते हैं तो दे इंक्लूड्स अबाउट 500 स्पीसीज। इस ग्रुप के अंदर लगभग 500 स्पीसीज प्रेजेंट है, और आउट ऑफ विच 27 स्पीसीज आर रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी स्पीसीज है बेटा? 27 स्पीसीज है। टोटल कितनी है? लगभग 500 स्पीसीज प्रेजेंट है वर्ल्ड वाइड कंडीशंस के बेस के ऊपर। संसार में ये लगभग 500 स्पीसीज प्रेजेंट है, और उनमें से 27 जो है वो इंडिया के अंदर रिपोर्टेड की गई है बेटा। अब देखिए ये जो नॉर्मल कंडीशंस है, अगर मान लीजिए हम इनकी हैबिटेट की बात करते हैं तो मोस्टली कैसी है बेटा? टेरिस्टेरियल है, ठीक है ना। मोस्टली आर टेरिस्टेरियल स्पीसीज का मतलब क्या है? मतलब जो लैंड पे प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। एंड सम आर फाउंड इन मोस्ट प्लेस प्लस में वाटरी, जहां पर वाटर प्रेजेंट है वहां पर भी होती है बेटा, ठीक है ना। कुछ ऐसे डिकम्पोजर टाइप के होते हैं जो एक तरीके से बेटा जो किस चीज में रोल प्ले करते हैं, डिकम्पोजिशन में रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या थे बेटा? डिकम्पोजर थे इसके अंदर। तो डिकम्पोजर से तो वो कहां पर प्रेजेंट होंगे? दे lies on the surface of dead and decay matter,
ठीक है बेटा, डेड डिके मैटर पे क्यों, कहां पर लीफ पे हो सकता है, किसी बार्क पे हो सकता है, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे हो सकता है, तो उसके बेस के ऊपर ये होते हैं बेटा, तभी तो इनको मॉइस्चर की जरूरत होती है, कॉमनली ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और उसी मॉइस्चर के बेस के ऊपर इनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो वर्क करता है बेटा। इसके अलावा ये क्या होते हैं, मतलब नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का विच लेक द सेल वॉल, ठीक है, मोस्टली हम ये कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ मोल्ड विच लेक्स सेल वॉल, यानी आप एक सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं बेटा उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। अब सेल वॉल अब्सेंट होती है तो वो उनके पास बिहेव जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक बिहेव होता है, यानी प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं वो, ठीक है, सूडो प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं बेटा। सो हैविंग इसी के बेस के ऊपर ग्रुप ऑफ जो मोल्ड है बेटा उसमें विच लेक द सेल वॉल, अब सेल वॉल जब उसके अंदर नहीं है तो ऐसी सिचुएशंस में क्या हो सकता है बेटा, जब सेल वॉल नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दे लुक लाइक एज ए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है बेटा एक तरीके से लिविंग जो प्रोटोप्लाज्म है, जैसे इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये प्रोटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा। अगर इसी को अगर बहुत सारा मास इकट्ठा हो जाए बेटा, ठीक है ना, अगर बहुत सारा मास आपस में इकट्ठा हो जाए तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से ऐसे पार्ट्स में डिवाइड है, ऐसे जैसे एक पार्ट ये हो गया बेटा, एक पार्ट ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी है, तो यही जो है हमारे पास क्या बन जाता है, सूडो प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, सूडो प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ये सूडो प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे प्रोटोप्लाज्म होता है, मलेरियल पैरासाइट होता है, उस जैसी प्रॉपर्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी शेप के बेस के ऊपर बोल रहे हैं कि इसके पास सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, इसके पास क्या होता है कि अमीबा लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एग्रीगेशन बन जाता है, तो इसको हम ये कह सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और उसी के बेस को उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडो प्लाज्मोडियम के नाम से बोलते हैं, उसको ही हम किसके नाम से बोलते हैं, सूडो प्लाज्मोडियम के नाम से बोलते हैं। आप कुछ टाइम के बाद क्या होता है बेटा, जो ये मेम्ब्रेन्स जो मैंने शो कर रखी है ये डिसअपियर हो जाती है, और जब ये मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है तो यहाँ पर एक मास बन जाता है, टोटल जो मास है उसी टोटल मास को हम ये मीन्स इसके अंदर हमने न्यूक्लियस बना दिए बेटे, ठीक है ना, ये सब क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस बना दे तो टोटल मास बन जाता है, दैट मास इज कॉल्ड द सूडो प्लाज्मोडियम, और ये मास किसका है बेटा, एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से स्लिमी मास होता है बेटा, ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज जो होता है स्लाइम मोल्ड जो होते हैं दे आर स्लिमी मास, ठीक है, इन केस ऑफ वेजिटेटिव फेज they are स्लिमी, ठीक है, सो कॉल्ड स्लाइम मोल्ड, ठीक है बेटा, इस स्लिमी के बेस के ऊपर, स्लिमी फेज के बेस के ऊपर इनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड, इसी के बेस के ऊपर जो स्लिमी मास प्रेजेंट होता है बेटा, स्लिमी मास जो प्रेजेंट होता है बेटा उसी के बेस के ऊपर इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स के नाम से बोलते हैं। अब ये स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं बेटा, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो जो प्रोटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन है बेटा वो एक तरीके से
नेक्स्ट जो करेक्टर है बेटा, उस नेक्स्ट करेक्टर में क्या हमारे पास करेक्टर नंबर 5 देख क्या होता है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लाज्मोडियम इज द प्योरेस्ट इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में ये प्योरेस्ट फॉर्म है बेटा। अब द बॉडी ऑफ द प्लाज्मोडियम इज डिवाइडेड इंटू टू रीजन्स, आउटर विदाउट न्यूक्लियस एंड इनर विद न्यूमेरस न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आउटर जो पार्ट है बेटा उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, आउटर पार्ट जो होता है उसमें न्यूक्लियस होते ही नहीं है, इनर पार्ट जो होते हैं बेटा उसमें एक तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करने की बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास एक मास है बेटा, इस मास के बेस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बाहर वाला रीजन है इस तरीके से उसको डिवाइड कर लिया, जैसे बॉडी जो है उसको डिवाइड कर दिया एक तरीके से बेटा। इस मास के अंदर तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और आउटर पार्ट जो है बेटा उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, आउटर पार्ट विदाउट न्यूक्लियस, ये आउटर पार्ट है और ये हमारे पास क्या है इनर पार्ट, ये इनर पार्ट है। तो इसके अंदर तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आउटर पार्ट जो है बेटा उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए ये जो एक तरीके से जो प्रोटोप्लाज्म है बेटा, टोटली अगर इस कैटेगरी की बात करते हैं तो इसके पास तो क्लोरोफिल अब्सेंट होती है। अब जब क्लोरोफिल इसके पास अब्सेंट होती है तो इसका जो बिहेव है वो कैसा हो सकता है बेटा, इसका जो बिहेव है वो कैसा होगा, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर। अब हम लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल एब्सेंट, इट्स मींस देयर आर द नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, इट मींस नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हाइट्रोट्रॉपिक। और बेटा हाइट्रोट्रॉपिक में कौन सा होगा, हाइट्रोट्रॉपिक में क्या होगा, दूसरे की बॉडी के ऊपर सरवाइव करना, तो मतलब दो तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, एक तो लिविंग बॉडी पे रहेगा बेटा तो क्या होगा, पैरासिटिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म होगा, मतलब पैरासाइट्स होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, पैरासिटिज्म होगा उसके पास। दूसरा केस क्या होगा बेटा, जब ऑर्गेनिज्म से डेड फॉर्म में है, जब ऑर्गेनिज्म कैसी फॉर्म में है बेटा, डेड फॉर्म में है, तो उस टाइम पर कैसा होगा, सेप्रोट्रॉफिक होगा, मतलब डेड डीके से अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है उसमें, चाहे एनिमल्स की बॉडी हो बेटा चाहे प्लांट्स की बॉडी हो, अगर एनिमल्स की बॉडी के ऊपर सरवाइव करेगा तो उसको हमें सेप्रोफिटिक बोल सकते हैं, अगर एनिमल्स की बॉडी पर सरवाइव करेगा तो बेटा उसको सेप्रोजोइक बोल सकते हैं, और प्लांट्स की बॉडी पर सरवाइव करेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेप्रोफिटिक बोल सकते हैं। तो प्लांट्स के केस में हम सेप्रोफिटिक बोल सकते हैं, प्लांट्स के केस में अगर डेड पार्ट जो है वो प्लांट है बेटा तो उसको बोल सकते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है, अगर एनिमल की बॉडी डेड होगी बेटा उस पर सर्वाइव कर रहा है ऑर्गेनिज्म तो उसको बोल सकते हैं सेप्रोजोइक, उसको क्या बोल सकते हैं, हम सेप्रोजोइक बोल सकते हैं, सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक, इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता बेटा। अब फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, फूड टेकन बाय द हेल्प ऑफ ए इंगोफिन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, फैगोट्रोपिज्म, आल्सो शोइंग द फैगोट्रोपिज्म, हम यह लिख सकते हैं,
इट इज ऑल्सो स्विंग फैगोट्रोपिज्म, ठीक है ना, फैगोट्रोपिज्म। अब फैगोट्रोपिज्म के बेस के ऊपर इसका मतलब क्या है, फूड, ठीक है ना, इंगफिंग ऑफ द फूड, फूड को फूड वैक्यूल्स की सहायता से वो इंगअप कर लेता है इसके बेस के ऊपर। नाउ देखिए इसके अंदर जो मूवमेंट होती है बेटा, अगर हम लोकोमोशन और मूवमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, बेटा देखिए, अगर मोड ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स की बात करते हैं, करेक्टर नंबर 7 हम बनाए, तो बॉडी आर मूव बाय द हेल्प ऑफ ए, करेक्टर नंबर 7 बनाए हमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट अकर्स ड्यू टू सुडोपोडिया। किससे होती है बेटा, सुडोपोडिया से होती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है वो एम्योबायोटिक बॉडी है बेटा, उसी की सहायता से मोशन होती है। इन सम केसेस बॉडी स्विंग द स्लिपरी मोशन, ठीक है, इन सम केसेस, बॉडी स्विंग स्लिपरी मोशन कब होगी बेटा, when environment is, environment कैसा होगा बेटा, moisture containing होगा, environment कैसा होगा, moisture containing होगा बेटा। जब environment में moisture present होगा तो ऐसी situations में वो काम कर सकता है। इसके साथ body जो होती है उसमें photosynthetic पार्ट तो प्रेजेंट ही नहीं होता बेटा, इसका मतलब देर आर द लॉट ऑफ एक्स्ट्रा पिगमेंटेड रीजन प्रेजेंट, द बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड, द बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज डिफरेंट इन कलर ड्यू टू presence of different color granules, ठीक है, granules और बेटा crystals, उन्हीं crystals के बेस के ऊपर बॉडी का जो कलर है वो ब्राउन भी है, रेड भी है, ठीक है ना, ब्राउन भी, रेड भी, येलो भी, ग्रे भी, व्हाइट भी, इस तरीके से, ठीक है, तो अलग अलग कलर हो सकते हैं बेटा, ग्रे भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, एटसेट्रा। इस तरीके से ये सब कलर जो प्रेजेंट है बेटा वो किसके बेस के ऊपर है, बॉडी के अंदर जो ग्रेनुल्स स्टोर है उन्हीं के बेस के ऊपर है। अब नॉर्मली जो पिगमेंट है इसमें वो कौन सी है, एंथ्रासिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, कौन सी प्रोटीन है बेटा, एंथ्रासिन, ये है, ये पिगमेंट है बेटा जिनके कारण कलर शो होता है, समझ गया ना, कौन सी है, एंथ्रासिन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसके बेस के ऊपर कलर शो होता है, ठीक है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके केस बहुत सारे हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत रेयर होता है, ठीक है, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो बी रिपोर्टेड हियर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द हेल्प ऑफ, फ्रेगमेंटेशन या भाई और सक्लोराइड्स, एक पार्ट और भी होता है बेटा इसमें, क्या होता है, सक्लेरोटिया, ठीक है, इसको सक्लेरोटिया बोल सकते हैं बेटा, सक्लेरोटिया, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन से और सक्लेरोटिया से
अब फ्रेगमेंटेशन तो नॉर्मल सी बात है कि बॉडी आर डिवाइडेड इनटू द स्पेशल पार्टी स्क्लेरोटिया बाय फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजिया, जो स्क्लेरोटिया बनते हैं बेटा, एंड आल्सो बी रिपोर्टेड बाय द एंड आल्सो रिपोर्टेड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो फॉर्मेशन है उसके बेस के ऊपर भी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रेजेंट किया गया बेटा। अब यहाँ पर स्पोरेंजिया क्या होते हैं, जो विच प्रोड्यूस द प्रोड्यूस, अब ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, स्पोरेंजिया क्या करते हैं भाई, दे प्रोड्यूस द स्पोर, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, और स्पोर्स जो होते हैं बेटा उनके पास क्या होती है, विच कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, स्पोर्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, इनिशियल जो कंडीशन है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हालांकि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं जब वो ग्रो करते हैं बेटा उस टाइम पे उनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो इसके बाद अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन सम केसेस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गैमेट्स जो होती हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स कौन कौन से है भाई, आइसोगैमस, ये सब कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं बेटा। तो हमारे पास इस पार्टिकुलर कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा में इतना ही बेटा। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें हमारे पास आते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, प्रोटोजोइक प्रोटिस्टा। अब प्रोटोजोइक प्रोटिस्टा जो प्रेजेंट होते हैं बेटा उसमें क्या है हमारे पास, ठीक है, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटोजोन प्रोटिस्टा जो होते हैं बेटा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होता है, उसी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर हमारे पास उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। और देखिए हमारे पास थर्ड क्या है, प्रोटोजोन प्रोटिस्टास, ठीक है। अब ये थर्ड ग्रुप है बेटा हमारे पास। अब इस ग्रुप की क्या करेक्टरिस्टिक्स है बेटा, देखिए ये जो ग्रुप है इसके अंदर फोर अलग अलग फाइलम्स इंक्लूड होते हैं बेटा, जिसमें क्या है, जू फ्लैजिलेटा है, सार्कोडिना है, स्पोरोजोन्स है, ठीक है, और सिलिएट्स है। कौन कौन से फोर ग्रुप है मैं आपको बताता हूं बेटा, देखिए प्रोटोजोन प्रोटिस्टा आर इंक्लूड फोर ग्रुप्स बेटा। सबसे पहले जू फ्लैजिलेटा जो ग्रुप है बेटा, डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर जू फ्लैजिलेट्स आते हैं, यानी देखिए नाम से इस बात को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जू फ्लैजिलेट्स यानी जू मींस एनिमल्स, फ्लैजिलेट्स मींस जिनके पास लोकोमोशन या पार्टिकुलर कंडीशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट है बेटा, उस फ्लैजिला के बेस के ऊपर ही वो मोशन शो करते हैं। अब सिंपली ये जो ग्रुप है बेटा, इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे ट्रिप्नोसोमा है बेटा, ठीक है, ट्राइको निम्फा प्रेजेंट है, गार्डिया है, ट्राइकोमोनास है बेटा, लेस्मानिया है, ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और उसी फ्लैजिला के बेस के ऊपर इमोशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास सार्कोडिना जो ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, इस सार्कोडिना ग्रुप फाइलम के अंदर स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि ये फ्री फ्लोटिंग बॉटम डेवलरियस प्रेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सोइल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप का प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके बेस के ऊपर ये मोशन शो करते हैं। आप देखिए हम सिंपली ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, इसमें देखो अमीबा भी इसी में इंक्लूड है हमारे पास, अमीबा इसमें इंक्लूड है, यहाँ पर हमारे पास ट्रिप्नोसोमा
ठीक है, ट्रिपनोसोमा इसमें इंक्लूड है बेटा। अब अमीबा है तो इसका मतलब यहाँ पर सूडोपोडिया प्रेजेंट है, इसमें तो फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए यूज होता है बेटा, जो फ्लैजिलेट्स में तो लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला यूज होता है, सार्कोडिना के अंदर यूज होता है सूडोपोडिया जो अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। जस्ट अगर उसके बाद हम बात करते हैं स्पोरोजोइंट की बात करते हैं, तो ये स्पोरोजोइंट जो ग्रुप है बेटा यहाँ पर क्या होता है, अबसेंट होती है, अबसेंट लोकोमोशन, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन ही नहीं होता है। तो स्पोरोजोइट्स की बात अगर हम करते हैं ना बेटा, तो स्पोरोजोइट्स के केस में जैसे हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि इसके पास एग्जांपल है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसके कारण मलेरिया हो जाता है, तो इसके पास कोई लोकोमोटरी पार्ट नहीं प्रेजेंट होता बेटा, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या, सिलियाटा, सिलियाटा मीन्स जिसके पास सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलियाइट्स इसमें ग्रुप में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लोकोमोशन के लिए जो स्पेसिफिक ऑर्गन होता है बेटा वो क्या होता है, सिलिया होते हैं, इन सिलिया के बेस के ऊपर मोशन शो करते हैं। और सिलिया के बेस के ऊपर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे बेटा पैरामीशियम हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास इस ग्रुप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, इसके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जर्नल करेक्टरिस्टिक्स, हमारे पास इसके जर्नल करेक्टरिस्टिक्स है बेटा, क्या हो सकते हैं भाई जर्नल करेक्टरिस्टिक्स। देखिए बेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहले इनकी प्रेजेंसी की बात करते हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेटा वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब ये कह सकते हैं हमें हर किसी पार्टिकुलर कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड बेटा है इन डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी हर जगह, मतलब दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट प्लेस पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मोस्ट प्लेस एक ऐसी कंडीशन है बेटा जिसके बेस के ऊपर ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वॉटर, ठीक है ना बेटा, कहां पर, फ्रेश वॉटर में, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अमीबा है बेटा वो फ्रेश वॉटर में प्रेजेंट होता है। तो ये तो है हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, ये कहां पर किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इनकी शेप और साइज की बात अगर हम करते हैं ना, तो बेटा डिफरेंट शेप साइज होती है इनकी, दे आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विद वैलिड शेप। अब शेप कैसी भी हो सकती है बेटा, जैसे बेल शेप है, राउंडेड है, रेक्टेंगुलर है, साइलेंड्रिकल है बेटा, इलोंगेटेड है, एटसेट्रा। तो ये सभी शेप प्रेजेंट है उसके अंदर, मतलब उसी शेप के बेस के ऊपर उसकी फॉर्म है बॉडी की, कोई फ्लैजिलेटेड है, कोई फ्लैजिलेटेड है, कोई ऐसा है जो फ्लैजिल एब्सेंट होता है बेटा। सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री में कैसा है, इरेगुलर सिमेट्री है,
ठीक है ना, ई रेगुलर सिमेट्री है बेटा, किसी के केस में सिमेट्री जो है वो रेडियल है, किसी के केस में बाइलेटरल है, बाइलेटरल सिमेट्री है, तो अलग अलग फेजेस प्रेजेंट होते हैं बेटा। फ्लैजिला किसी में प्रेजेंट है, किसी में बॉडी में सिलिया प्रेजेंट है, किसी में सूडोपोडिया है, मतलब शेप जो है वो इरेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे ऐसे में डिफरेंट टाइप की शेप स्ट्रक्चर है बेटा। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो इसके अंदर लोकोमोशन की बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि लोकोमोशन के केस में अगर हम बात करते हैं ना तो बेटा प्रोटोजोन जो है उसमें लोकोमोशन डिफरेंट टाइप से होती है। डिफरेंट टाइप से कैसे होती है लोकोमोशन, अब इसका करेक्टर अगर हम बनाए करेक्टर नंबर 3 तो लोकोमोशन, लोकोमोशन करेक्टर अगर हम बनाते हैं ना तो उसमें क्या चीज है, देखिए बाय द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया, सुडोपोडिया के लिए आपने एग्जांपल बताया बेटा अमीबा, अमीबा में होती है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के बेस के ऊपर होती है, तो फ्लैजिला के बेस के ऊपर होती है, तो बेटा इसमें क्या एग्जांपल होगा हमारे पास है, इसमें हमारे पास एग्जांपल जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल है बेटा ट्रिपनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाय द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास है पैरामीशियम, और एक ग्रुप ऐसा भी था बेटा जिसमें हमारे पास क्या था एक तरीके से स्पोरोजोन जिसमें इंक्लूड थे, तो वो था लोकोमोशन लेस, यानी जिसके अंदर लोकोमोशन होती ही नहीं है उसके केस में हम बात कर रहे थे। अब यहां पर हमारे पास न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर करेक्टर बनाए बेटा हमारे पास है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप की है इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं बेटा उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर देखिए हेटरोट्रॉपिक है बेटा, और हेटरोट्रॉपिक में कौन कौन सा टाइप का स्पोरोजोइक, ठीक है ना, कौन सा है हमारे पास है? जिसको हम क्या बोलते हैं होलोजोइक या स्पोरोबिक बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो फोर्थ नंबर करेक्टर क्या हमारे पास है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमारे पास, इस न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या है हेटरोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक में कौन सा है बेटा होलो जोइक और भाई होलो होलोबिक, ठीक है ना, होलोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब होलोबिक होलोबिक या सेप्रोबिक बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं बेटा सेप्रो सेप्रोबिक, तो ये जो मोड है बेटा हमारे पास ये दोनों टाइप है, मतलब एक तरीके से हमें पता है फूड जो होता है उसको इंगअप किया जाएगा, स्पेशल वैक्यूल्स वैक्यूल्स की सहायता से फूड को बॉडी में लिया जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होती है वो कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, ठीक है, सम आर सोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सम आर एन एरोबिक, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन की टाइप है बेटा। बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होता है और एक्सक्रीशन में मेन वेस्ट जो होता है बॉडी में वो अमोनिया है, उस अमोनिया को किसके थ्रू बॉडी वेस्ट आर रिमूव बाय द हेल्प ऑफ ए करेक्टर नंबर 6 बनाते हैं बॉडी वेस्टेज आर रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ ए बॉडी
सरफेस, ठीक है, और जो वेस्ट है बेटा वो क्या है, मोस्टली मोस्टली अमोनिया, अमोनिया वेस्ट का काम करता है बेटा, ठीक है, उसके साथ साथ यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तभी तो ये मोस्ट प्लेस पर प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, उसके बेस के ऊपर है बेटा, ठीक है। देन उसके बाद अगर बॉडी के अंदर से हमें ऑफ साल्ट की बात करते हैं तो दे आर शोइंग ऑस्मो रेगुलेशन, दे आर शोइंग ऑस्मो रेगुलेशन बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उसके बेस के ऊपर केस को मेंटेन करते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन को, और बॉडी सरफेस की सहायता से, किसकी सहायता से, बॉडी सरफेस की सहायता से ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है ना उसको शो करते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस केस में होता है बेटा, जहां पर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो साल्टी प्लेस पे प्रेजेंट होता है और साल्टी वाटर में प्रेजेंट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के साल्ट जो जाते हैं बेटा, उन साल्ट को बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है, और जब बॉडी से साल्ट को रिमूव करेगा तो ऐसी सिचुएशन में ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है बेटा, मीन्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आर रिपोर्टेड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे केसेस जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं बेटा, ठीक है। तो करेक्टर बनाए हम अगर रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा उसमें मेन बाइनरी फ्यूजन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर रिप्रोडक्शन मोस्टली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, मेन पेरेंट्स बॉडी जो है टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द हेल्प ऑफ सिनगैमी और कंजुगेशन, सिनगैमी और कंजुगेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा उसके बेस के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिपोर्टेड किया गया है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बाइनरी फ्यूजन से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा उस सिनगैमी और कंजुगेशन का एग्जांपल होगा हमारे पास, ठीक है। अब अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ ऐसे प्रोटिस्ट भी होते हैं जो अपनी बॉडी के चारों तरफ सिस्ट फॉर्मेशन का केस बना लेते हैं बेटा। अब हम कुछ ऐसे पैरासाइट्स मतलब ऐसे प्रोटोजोन के एग्जांपल लिखते हैं बेटा जिनका हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो एक तरीके से हमारी बॉडी को थ्रेट भी करते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं, और जिनका नाम बहुत ज्यादा तरीके से फेमस है, ठीक है ना बेटा, फेमस है मतलब उनको हम एक तरीके से नॉर्मली स्टडी भी करते हैं। तो उसके लिए हम आपके सामने टेबुलर फॉर्म में एक एग्जांपल एक पार्टिकुलर लिस्ट बनाते हैं बेटा, ब्लैक बोर्ड पे हम व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं इसको लिस्ट को, ठीक है, प्रोटोजोन्स जो है उसके एग्जांपल लिखते हैं कुछ के, ठीक है। तो देखिए बेटा कौन कौन से हैं, तो बेटा हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब प्रोटोजोन प्रोटिस्टा हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस, ये जो पैरासाइट्स है द पैरासाइट्स ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, मतलब इट इज द कॉजिटिव एजेंट्स ऑफ स्लीपिंग सिकनेस डिसऑर्डर विच इज कॉज इन अफ्रीकन कंट्री, जो अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। उसके बाद लेस्मानिया डेनोवेनी, द पैरासाइट्स ऑफ कालाजार, कालाजार मतलब एक तरीके का फीवर है बेटा, ठीक है, इसके कारण डमडम फीवर के नाम से भी इसको बोलते हैं, मीन्स जो भी पर्सन होता है जो स्पेयर होता इसे इफेक्ट होता है उसको साउंड सुनाई देता है बेटा इसके बेस के ऊपर, ठीक है, तो स्पेसिफिक साउंड के बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट है
गार्डिया इंटेस्टाइनलिस ये जो प्रॉब्लम है गार्डियासिस शो करती है। मतलब बेटा इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस पैरासाइट्स के कारण क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, और इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होने का मेन जो रीजन होता है बेटा उसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है उस बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो वो सारा का सारा कोज है बेटा इसके बेस के ऊपर, ठीक है ना। देन हमारे पास और क्या केस है बेटा, और केस हमारे पास नेक्स्ट है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है बेटा। ट्राइकोनिम्फा के अंदर क्या है, सेलुलोज डाइजेस्ट जू फ्लैजिलेट्स, यानी जैसे माइट्स वगैरह होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, उसकी उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि बेटा वो लकड़ी को खा सकता है। ऐसे में वो लकड़ी को जो खा सकता है तो लकड़ी में सेलुलोज होती है, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टर्माइट्स के पास कोई भी स्पेसिफिक एंजाइम नहीं होती, सेलुलोज एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन उस लकड़ी को डाइजेस्ट करने में रोल कौन प्ले करता है बेटा, ट्राइकोनिम्फा, जो एक टाइप्स का प्रोटोजोन है जो मींस टर्माइट्स की बॉडी के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर सर्वाइव करता है बेटा। नाउ अमीबा प्रोटिस्टियस या अमीबा जो हम मोस्टली केसेस में एग्जांपल लेते हैं बेटा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका सोइंग द अमीबाटिक डायसेंट्री, इट इज आल्सो द इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स। पैरामीशियम कोडेटम्स, जिसमें एग्जांपल हमारे पास पैरामीशियम है और ये सिलिएटा का एक एग्जांपल है। तो ये आज का लेक्चर हमारे पास जो है बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमने दो ग्रुप पढ़े हैं, और वो दोनों ग्रुप किसके अंदर आते थे, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया बेटा, सेकंड किंगडम जो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो किंगडम है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। फर्स्ट इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, सेकेंड इज द कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, इसको हम बोल सकते हैं स्लाइम मोल्ड, और थर्ड जो है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। तो बेटा हमारे पास आज का जो लेक्चर था उस लेक्चर में सिर्फ हमने दो पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर प्रोटिस्टेंट्स या स्लाइम मोल्ड के नाम से, दूसरा हमारे पास क्या है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। ये प्रोटोजोन प्रोटिस्टा को हमने अलग अलग तरीके से चार मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, जिसमें जू फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट थे, सार्कोडिया डिना प्रेजेंट थे, जिसमें बेटा स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट थे, स्पोरोजोन प्रेजेंट थे, और साथ में हमारे पास सिलिएटा प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही बेटा, प्रोटिस्टा किंगडम फिनिश। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट किंगडम फंगस फंजाई के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे एंड गुड डे।